हे गेमर, व्हाट्सअप। इस वीडियो में मैं इसको करने वाला हूँ रिव्यू, वो भी आफ्टर यूजेस। काफ़ी दिन हो चुका है, मैं इसको ख़रीद चुका हूँ और यूज़ भी कर चुका हूँ बहुत दिनों से। आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी देख सकते हैं। तो गाइस, इसके साथ साथ जितने भी इस माउस के कॉन्स है उसको भी मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आगे देखते रहिए अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा नहीं था कि एचपी का एक माउस जिसका सेंसर मेंशन नहीं होता है, सभी लोग बोलते हैं कि सेंसर बहुत ख़राब है, उसके बारे में तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही दमदार था इसके साथ। मैं पबजी लाइट खेलता था इसके साथ, CS:GO और ब्लैक स्क्वाड, यही तीनों गेम मैं नॉर्मली खेलता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है इसके साथ। इसके सबसे पहला इसका जो हाईलाइट फीचर है वो है इसका जो मतलब क्लिक का जो फीडबैक है, मतलब क्लिक क्लिक जो है वो ज़्यादा डीप क्लिक नहीं है, मतलब ये जो क्लिक जब करते हो उंगली जो है ज़्यादा नीचे नहीं जाता, थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रेस करने पर ही क्लिक हो जाता, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। और अगर मैं बोलूँ कि जो नॉर्मली इश्यूज़ होता है माउस के साथ कि राइट क्लिक काम नहीं करता, स्क्रॉल बार काम नहीं करता, वो चीज़ मुझे अभी तक फेस करना नहीं पड़ा है। और इस साइड में जो दोनों बटन्स है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर इस साइड में दो बटन्स आप लोग देख सकते हो, ये है दो बटन्स। तो ये जो दो बटन्स है इसमें मुझे उतना कुछ खास जो है डिफेक्टिव तो नहीं लगा इतने दिनों में, वैसे ये उतना ज़्यादा मतलब टेक्टाइल नहीं है जितना ये है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है ये, लेकिन इसको जो है आपको थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ धकेलना पड़ता है तब जाके ये प्रेस होता है, तो ठीक ठाक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको स्नाइपर बटन की तरह यूज़ करता हूँ। और जो DPI बटन है ये भी काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है, मैंने सोचा था कि ये नॉर्मली जैसा होता है कि उतना ज़्यादा टेक्टाइल मतलब उससे ज़्यादा जो है स्टडी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी है ये चीज़। तो गाइस, इसमें देख सकते हैं आपको नॉर्मली कोई RGB तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे DPI बटन के लिए जो लाइट एक्सेप्शनली ग्लो करता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसी के साथ साथ वीडियो के इस पोर्शन में आपको पता चलेगा कि एक एक जो क्लिक्स है उसका साउंड कैसा है, मैं आपको बहुत बारीकी से सुनाने वाला हूँ, तो हेडफोन लगा लीजिए। और दाई तरफ देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा टेक्सचर दिया हुआ है, ज़्यादातर लोग जो है दाई तरफ दिखाता नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। और इसका जो DPI बटन है देख सकते हैं, तो इसको मैं प्रेस करने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पोर्शन में, आप साउंड सुन लीजिए अपने आप और क्लोज लुक जो है वो भी देख लीजिए गाइस। वैसे कहने के तो इसका DPI 5000 तक आता है, लेकिन अभी तक मैंने जो है सिर्फ 2000 तक ही यूज़ किए हैं, वही काफ़ी होता है मेरे नॉर्मल स्क्रीन्स के लिए, जितने भी साइज़ होता है 18.5 इंच या 19 इंच। इसका स्क्रॉल बार का क्लिक थोड़ा डायरेक्शनल लगा मुझे, पर इट्स ओके आई थिंक। इसी के साथ साथ जो एक और भी कॉन्स इसमें आता है मुझे, इसका मतलब मुझे बुराई करना पड़ रहा है इस चीज़ का, वो है यही है कि इसमें आपको कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं मिलता जिससे आप इसके जो स्नाइपर बटन है उसके जो DPI है उसको एडजस्ट कर सको। इसमें स्नाइपर बटन में आपको सिर्फ और सिर्फ 400 DPI मिलेगा गाइस, तो ये एक कॉन्स है, आप गौर कर लीजिए इस चीज़ को, नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है, देख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो स्क्रैच यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच, ये एक्चुअली हुआ था जब मैंने अपना प्लैग इसके ऊपर गिरा दिया था एक सर्टेन हाइट से, तो उस पर जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो कलर है वो स्क्रैच हो चुका था। अब यहाँ पे देख सकते हो एक सफ़ेद सा चीज़ निकल के आ चुका है यहाँ पे, सोचा था कि यार क्लिक के ऊपर गिरा है तो क्लिक में कुछ असर पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो चीज़ हुआ था मेरे साथ, ये इंसिडेंट तकरीबन माउस को ख़रीदने के 1 से 2 महीने बाद ही हुआ था, तो उस दिनों उन दिनों से मैं इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओवरऑल जो माउस के साथ मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है, और माउस के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। और यहाँ पे जो स्नाइपर बटन है वो अगर पोजिशन पर दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन ये उसको यहाँ पर दिया गया है, तो ये छोटा मुझे एक मतलब माउस की तरफ से कॉन्स लगा, मतलब कॉन्स का जो सर्फेस एरिया है ये तो स्मूथ है, लेकिन इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा एक अच्छा वाला माउस पैड। वैसे मैं जो माउस पैड यूज़ करता हूँ तो मैं नॉर्मली जो है मेरा मैं
पुराना वाला माउस पैड था तो उसके ऊपर मैंने जो है A4 पेपर को चिपका दिया है, तो अभी वो एक कंट्रोल टाइप माउस पैड बन गया, तो उसी को मैं यूज़ करने वाला, मतलब उसी को मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ माउस पैड कैसा है। माउस पैड जो मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है ये कंट्रोल टाइप है, इसमें एक्चुअली पुराना वाला माउस पैड है, यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने जो है A4 पेपर लगा दिया है, तो अभी ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इसको कंट्रोल टाइप दे देता है, काफ़ी मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसको कंट्रोल करने में, काफ़ी ये जो मैच कर गया इसका सरफेस से, इसका सरफेस काफ़ी मैच करता है, मतलब काफ़ी कंट्रोल टाइप है, मतलब कैजुअल गेमर्स लाइक मी इजीली कैन यूज़ दिस ट्रिक, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेलते, मतलब गेम एडिक्ट नहीं हो, तो ये काम करने वाला आपके लिए, और अगर आप स्प्लिट टाइप माउस पसंद करते तो ये शायद काम नहीं करने वाला आपके लिए। और जैसे मैंने कहा था ये माउस का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक अलग ही अलग जो मतलब उसका जो है एक अलग ही पर्सपेक्टिव है कि बड़े माउस का अलग ही फंडा होता है और छोटे वाले माउस का अलग ही फंडा होता है, तो ये तो डिपेंड करता है आप किस तरीके माउस से जो है प्रैक्टिस करते हो। जैसे मुझे ये वाला माउस काफ़ी मतलब पसंद आ चुका है, इतने दिनों में मैं काफ़ी आदी हो चुका हूँ उसके साथ, क्योंकि पहला बात जो आता है कि माउस अगर छोटा होता है तो आप मतलब एक दो घंटे में कुछ महसूस नहीं करोगे, लेकिन अगर आप एक दो घंटे से ऊपर जो है गेमिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको महसूस होगा कि हाथ जो है मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। लेकिन इस माउस के बारे में बात करूँ तो ये हाथ के हिसाब से बहुत अच्छे से जो है फिक्स्ड हो जाता है आपके हाथ में, देख सकते हो थंब के लिए बहुत ही अच्छा सा इसमें जगह दिया गया है। और राइट साइड की बात करूँ जो कि तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में अच्छा वाला ग्रिप दिया गया है यहाँ पे। और टेक्सचर की बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व है राइट साइड में, जो कि हाथ के हिसाब से परफेक्टली मैच करता है। तो ये है माउस का कुछ साइज। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि इस माउस के साथ आप जाओ, अगर आपके बजट जो है 1200 के आसपास है, आप लॉजिटेक के साथ मत जाओ, क्योंकि मैं लॉजिटेक को छोटा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो मैं भी एक नॉर्मल जो है आपकी तरह कंज्यूमर हूँ, तो मैंने जब देखा कि अमेज़ॉन पे बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे थे कि उस माउस का जो है राइट क्लिक थो कुछ दिन बाद से जो काम नहीं कर रहा था, उसके लिए मैंने इसको बाय किया, इसका काफ़ी अच्छे अच्छे फीडबैक थे। अभी तो इस माउस का एक बड़ा भाई भी आता है जो है ओमेन 600, आप उसके साथ भी जा सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो अगर आपको वो पसंद है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ये जो स्क्रॉल बार है वो सिर्फ ग्लो करता है अच्छे से, बस इतना ही है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ओवरऑल माउस बहुत ही अच्छा है, आप डेफिनेटली जा सकते हो इसके साथ। सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें जो है ब्रेडेड केबल आपको नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेडेड केबल जो है उतना मैटर नहीं करता। मेरे पास एक पुराना वाला माउस पड़ा है जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, उस माउस पे भी ब्रेडेड केबल नहीं था, उसके ना होने के बावजूद भी मैंने जो है उस चीज़ को तकरीबन 6 से 7 साल यूज़ किए। 2012 में मैंने वो PC खरीदा था, उसके बाद से मैं उसी माउस को यूज़ करता हूँ, तो अभी तक उसमें कोई खरोच तक भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई इफेक्ट देने वाला है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीद रहे हो तो उसका जो केबल का क्वालिटी है वो कितना कैसे, मतलब कोई भी मटेरियल उसमें यूज़ किया गया वो एक्सपेंसिव ही होता है, मतलब उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म चले। तो ये था वीडियो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही प्रीसी एंड टेक्निकल वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गेमिंग एज यूजुअल।